चमनगंज थाना पुलिस की मुस्तैदी की पोल उस समय खुल गई जब एक गिरफ्तार कर लिया गया छात्र बदमाश मुंशी को धक्का देकर फरार हो गया। बताते चलें कि उसके खिलाफ चमनगंज, बेगमगंज, कर्नलगंज और बजरिया समेत कई थानों में लूट, चोरी व टप्पेबाजी समेत करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। चमनगंज थाना प्रभारी राज बहादुर सिंह ने बताया कि जावेद उर्फ जुगनू 2 माह पूर्व जेल से छूट कर आया था और गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहा था। रविवार शाम उसे गश्त के दौरान पकड़कर थाने में दाखिल किया गया था। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे उसने मुंशी से टॉयलेट जाने की बात कही। इस पर मुंशी किशनलाल उसका हाथ पकड़कर टॉयलेट की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान जावेद ने मुंशी को धक्का दिया और हाथ छुड़ाकर भाग निकला। मुंशी किशनलाल, नीतीश कुमार और पहरे पर तैनात सिपाही राहुल ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो शातिर हाथ नहीं आया तो वहीं मुंशी किशनलाल उसे पकड़ने की कोशिश में घायल हो गए। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है और मुकदमा दर्ज किया गया है। जावेद की तलाश में 2 टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। थाना क्षेत्र का रहने वाला जावेद उर्फ जुगनू नामक शातिर अपराधी है, जिसपे करीब 35-37 मुकदमे हैं। आज रात्रि में प्रातः के समय करीब गिरफ्तार किया गया है 5 बजे NDPS एक्ट में और दफा 25 में। सवेरे यहाँ पे करीब 7:50 का समय बताया जा रहा है, बाथरूम करने के बहाने गया और बाथरूम की जस्ट बगल की गली थी वो, उसमें घुस करके और पीछे से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।